नमस्कार वर्तमान रो बड़ खबर स्कूल खोलिबा कु नै राज्य रे खोलिबा कु जाउछि स्कूल जनवरी 8 तारीख रु दशम एवं द्वादश श्रेणी रो पाठ पढा मध्ये आरंभ होई जिवो एवं शनिबार रविवार को मिसाई 100 दिन रो पाठ पढाइबो एहा कु नै देखिबा वर्तमान रो प्राइम डिबेट खोलिबो स्कूल स्कूल खोलिबा कु नै जे द्वंद्व लागि रहितला सेथिरे वर्तमान पूर्णच्छेद पडिछि कारण आसंता जनवरी 8 तारिख रु स्कूल खोलिबा कु जाउछि विशेष करी दशम एवं द्वादश श्रेणी पिलांकर 8 तारिख रु सेमाने स्कूल कु आसिबे पाठ पढाइबो शनिबार एवं रविवार पाठ पढा जारी रहिबो एवं समुदाय 100 दिन रो पाठ पढाइबो ता सहित मे 3 रु 15 तारिख जाय दशम श्रेणी पिला परीक्षा देबे दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा मे 3 रु 15 तारिख जाय हेबो एवं दशम द्वादश श्रेणी पिलां को पाई प्रथमे पाठ पढा हेबा को जाउछि जेउति पाई कि स्कूल खोलिबो जनवरी 8 तारिख रु जनवरी 8 रु स्कूल खोलिबो दीर्घ 9 रु 10 मास बंद रहिबा परे स्कूल खोलिबा को जाउछि जनवरी 8 तारिख रु एवं राज्य सरकार एनी सूचना दैछंती जेतु आजि कहि परिबा पूर्वरु सीबीएसई बोर्ड परीक्षा तारीख घोषणा होय जायतिला ता परे परे गणशिक्षा विभाग चिंता प्रकट करथिला राज्य सरकार को तरफ रु याकु नै तर्जमा होयतिला आलोचना होयतिला वर्तमान जेतु सीबीएसई परीक्षा हेबो बोर्ड परीक्षा सेति पई किभली शिक्षा वर्ष आगे बस सेति पई मध्ये स्कूल खोलिबा पई निष्पत्ति निया जायछि जनवरी 8 तारिख रु स्कूल खोलिबा को जाउछि मे 3 रु 15 तारिख जाय दशम श्रेणी परीक्षा हेबो जहा कि फेब्रुवारी मास रे सब वर्ष अनुष्ठित होय थाए बोर्ड परीक्षा किंतु चलित थरो दशम परीक्षा हेबो मे 3 तारिख रु 15 तारिख जाय एवं 8 तारिख रु स्कूल खोलिबा परे शनिबार रविवार कंटिन्यूअसली पाठ पढा जारी रहिबो एवं 100 दिन रो पाठ पढा हेबा परे जाय कि स्कूल खोलिबो थबेर समल अधिक सूचना देबा पय अछंती डेप्युटी न्यूज एडिटर हमर थबेर जो बड़ी भाबरे गोटे द्वंद लागि रहितला से द्वंद रे पूर्णच्छेद पडिछि जनवरी 8 रु स्कूल खोलिले मे 3 तारिख रे परीक्षा हेबो किबळी कोर्स सरिबो सेनी कोन कहिबे आ देखंतु बड़ खबर स्कूल और गणशिक्षा विभाग और राज्य सरकार के मध्य जो आलोचना चलता दीर्घ दिन धरे जो द्वंद्व चलता तार अवसान हो दशम और द्वादश श्रेणी जो मैंने राज्य दशम श्रेणी पढ़ुंट प्लस टू पढ़ुंट जनवरी 8 तारीख रु मिशन 100 डेज अर्थात 100 दिनिया क्लास आरंभ करेंगे राज्य सरकार अनुमति देते स्कूल और गणशिक्षा विभाग को कि समय पूर्व सूचना और लोकसंपर्क विभाग एक रिलीज में स्पष्ट भाव दशम और द्वादश श्रेणी में जेहेतु तो बोर्ड परीक्षा रोची उभय छात्री दशम श्रेणी और द्वादश श्रेणी छात्र छात्री मैंने जनवरी 8 रु क्लास जापारे और पाठपढ़ा आरंभ हम यही परिप्रेक्षी जब आप देखिए जनवरी 8 तारीख रु जेहेतु 26 तारीख पर्यंत उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद परीक्षा देवाई जेहेतु पूर्व केन्द्र सरकार निष्पत्ति नहीं अनुसार परीक्षा तारीख घोषणा करी आप देखिए दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा मे 3 तारीख रु मे 15 तारीख पर्यंत चली आ प्लस टू जो मैंने देखते से मे 15 रु जून 11 तारीख पर्यंत अनुषित हम अर्थात निर्धारित तारीख जी आप पूर्व वर्ष को कंपेयर करेंगे तालोले कोविड कटकणा जो जेहेतु संपूर्ण भाव में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होता पाठपढ़ा प्रभावित होता से ही क्रम जी देखिए तालोले 15 रु 20 दिन पाखापाखि विलंब आसुची उभय दशम श्रेणी कथा कहतु कि द्वादश श्रेणी कथा कहतु से ही दृष्टि जदि आप देखिए किसी समय पूर्व जनवरी 8 तारीख रु स्कूल खोल केवल दशम और द्वादश श्रेणी पाठपढ़ा को अनुमति मिलता बेले परीक्षा तारीख घोषणा हो सारी हाराहारी आवरेज जदि देखिए तालोले राज्य पाखापाखि 6 लक्ष पा मैट्रिक परीक्षा दौरान बेले चलित वर्ष प्लस टू जो मैंने द्वादश श्रेणी अच्छा युक्त दुई स्तर में 3 लक्ष रु अधिक छात्र छात्री परीक्षा देखते तेणु गोटे बड़ द्वंद रही कोविड कटक जो मार्च मस रु पाखापाखि 9 मास पर्यंत पाठपढ़ा ठप होता अनल जदिव क्लासेस चलता कि द्वंद्वे थे छात्र छात्री अंपटे जब आप देखिए जेहेतु गत गुरुवार दिन केंद्र सरकार सीबीएसई परीक्षा तारीख घोषणा करते से ही अनुसार राज्य राज्य सरकार मैंने मानस मंथन आरंभ करते पाठपढ़ा कि परीक्षा किभली हम कारण द्वादश श्रेणी बा प्लस टू परीक्षा निर्धारित समय परवर्त पर्यायर इंजीनियरिंग और मेडिकल भाई सर्वभारतीय प्रवेशिका परीक्षा छात्र छात्री द्वंद्वे पड़े से ही दृष्टि जदि देखा जाए तो राज्य में एक बड़ निष्पत्ति कोविड कटकणा जो जो भाव में महामारी जो प्रभावित होता पाठपढ़ा जनवरी 8 तारीख रु दशम श्रेणी और प्लस टू सेकेंड इयर जो मैंने पढ़ुंट से ही छात्र छात्री मैंने क्लासेस श्रेणीगृह को जी और अनुमति मिली पाठ पढ़ाई जदि आप देखिए जेहेतु 3 मास आगु परीक्षा तारीख घोषणा होती जेहेतु वर्ष तमाम जेहेतु 9 मास पाठपढ़ा ठप हो जाता तेणु छात्र छात्री निज बेंचमार्क प्रस्तुत करेंगे परीक्षा तारीख से स्पष्ट करेंद्र सीबीएसई जो
शैली घोषणा करी आखिरे रखिले राज्य सरकार द्वादश श्रेणी और प्लस टू मैट्रिक श्रेणी छात्र छात्री परीक्षा तारीख स्पष्ट करते जो भाव में कहली मैट्रिक रि आप देखिए मे तीन तारीख रु परीक्षा आरंभ हम एवं प्लस टू जब आप देखिए मे 15 तारीख रु परीक्षा आरंभ हम और जहां युक्त दुई प्राक्टिकाल से अनुसार कराइबापी कहुई आउ एक बड़ कथा जब आप देखिए शनिवार और रविवार अर्थात छुट्टी पाठपढ़ा हम कोविड कटकणा जो जो भाव में विपर्यस्त शिक्षा व्यवस्था पाठपढ़ा छात्र छात्री अभिभावक शिक्षा भी जो द्वंद्व थे से सब को दूरवा 100 डेज मिशन नियाजाई विभाग पक्ष राज्य सरकार पक्षर समस्त छुट्टी दिन में एक निर्दिष्ट टाइमिंग फ्रेम करा से अनुसार पाठपढ़ा हम विभाग पक्ष भल निष्पत्ति थबेर कही पार कारण जेहतु बर्तमान केन्द्र तरफ घोषणा कर सीबीएसई परीक्षा से राज्य सरकार तत्परता प्रकाश करपत्ति बहुत बहुत धन्यवाद बर्तमान समस्त सूचना डेप्यूटी न्यूज एडिटर थबीर समल अधिक सूचना देते स्कूल खोल जानुरी 8 तारीख स्कूल खोल राज्य सरकार बर्तमान सूचना दे सारी प्रथम पर्यायर दशम द्वादश श्रेणी पाठपढ़ा आरंभ हो जानुरी 8 रु एवं मे 3 रु 15 तारीख जाए दशम श्रेणी परीक्षा हो मे 15 तारीख रु आरंभ हो द्वादश श्रेणी परीक्षा तेरे शनिवार रविवार स्कूल क्लास हो पर्टिकुलर किसी निर्दिष्ट समय भितर पाठपढ़ा हो जेहतु 100 दिन टार्गेट रही पाठ पढ़ा जो कोर्स कंप्लीट करने लक्ष्य रखाई 100 दिन भितर कोर्स कंप्लीट हो परवर्ती पर्यायर मे 3 रु 15 तारीख जाए दशम श्रेणी परीक्षा हो पूर्व फेब्रुआरी मसने परीक्षा होता फेब्रुआरी परीक्षा हो आम कहीपर मे मस बेलू रिजल्ट बाहर कि चलित थर जेहतु कोरोना पर दीर्घ 10 मास सब बंद रही से मे मस परीक्षा हो तेज आलोचना करने सहित अच्छा वासुदेव भट्ट अध्यक्ष ओडिशा अभिभावक संघर रघुनाथ पंडा अच्छा शिक्षावित आपको स्वागत करुच्ची वर्तमान आलोचना को श्रीजुक्त पंडा प्रथम आपण आरंभ करने निष्पत्ति राज्य सरकार नहीं जानुरी 8 रु स्कूल खोल सहित मे मस परीक्षा हो निष्पत्ति कमी देखुं तो बहुत स्वागत योग्य पदक्षेप एणु आम आम ओडिशा सरकार आ केन्द्र सरकार पाखरे आम कृतज्ञता ज्ञापन करुचु देखु छात्र छात्री अभिभावक आम समस्ते गोटे द्वंद्व थे केलेज के स्कूल सब खोल महाविद्यालय सब खोल परीक्षा हम कमी हम कौन हम ये चिंता थिला आम सरकार भी भारत सरकार को पत्र लिखी अनुमति मागी डेट डिक्लेयर करने आउ से भी डेट डिक्लेयर करटा को मुझे स्वागत करुच्ची किंतु गोटे कथा हला आमर सरकार तो काम सरला किंतु वर्तमान आमर जो स्कूल अच्छी आउ जो महाविद्यालय सब अच्छी से मानकर काम बढ़िला से माने आकु गुरुदायित्व भली ग्रहण करने को पड़ो कोविड नियम को सुचारू रूपे पालन करने को पड़ो सानिटाइजेसन करने को पड़ो जदि छात्र छात्री मैंने स्कूल को आसुचार से मानू से आम जो दूरत्व रखापी अच्छी से दूरता रखापी पड़ो आउर संगरोध जमी रही भी देखा पड़ो ता सहित पाठपढ़ा करने को पड़ो एणु यहाँ गोटे गुरुदायित्व रही आमर परिचालना समिति कहतु बा सरकार जी अध्यक्ष अच्छा प्रधान शिक्षक शिक्षयत्री अच्छा गुरुमा गुरुजी मैंने अच्छा से मानकर दायित्व बहुत बढ़िबो जदि न करिबे किछि जदि कालांकरी सृष्टि हला ताहले असहाय हिजियो परिस्थिति सेटा को भी रक्षा रखे पड़िबो आज्ञा जहां कहते आलोचना करी आपंप सहित कितु पुणी थे से बड़ खबर पर नजर पकई देवा जेहतु जानुरी 8 तारीख रु स्कूल खोल मे 3 रु 15 जाए दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा हो एप्रिल 27 रु मे 2 दशम श्रेणी प्राक्टिकाल परीक्षा हो प्राक्टिकाल परीक्षा पर निष्पत्ति आसी सारी घोषणा होगा तारीख मे 15 रु द्वादश श्रेणी बोर्ड परीक्षा आरंभ हो मे 15 रु जून 11 जाए द्वादश बोर्ड परीक्षा हो एवं ता सहित कहीपर एप्रिल 29 रु मे 14 तारीख जाए द्वादश श्रेणी प्राक्टिकाल परीक्षा हो तो प्राक्टिकाल परीक्षा नहीं बर्तमान जो बड़ खबर आसी पहुंची जाई एवं जदि आम से कथा को पुणि थे दोहरबा एप्रिल 27 रु मे 2 दशम श्रेणी प्राक्टिकाल हो मे 3 रु 15 जाए दशम श्रेणी परीक्षा हो सेपरी मे 15 तारीख रु द्वादश श्रेणी बोर्ड परीक्षा आरंभ हो 15 रु जून 11 तारीख जाए बोर्ड परीक्षा हो परवर्त पर्यायर कहीपर एप्रिल 29 रु मे 14 जाए द्वादश श्रेणी प्राक्टिकाल हो तेणु आगे प्राक्टिकाल परीक्षा हो तापर थियोरी परीक्षा हो एथिपाई राज्य सरकार घोषणा कर आलोचना को वासुदेव भट्ट सार अच्छा ओडिशा अभिभावक संघर
श्रीजुक्त भट्ट निष्पत्ति परे केते रिलैक्स फील करुछंती कारण दीर्घ 10 मास पाखापाखी बंद रहिला स्कूल छात्र छात्री घर भितरे बंद रहितले ऑनलाइन पाठपढ़ा जदि होतला किंतु सेतिकी आज माने आश्वस्तिकर सेतिकी फलप्रद हेउ नथला केते आश्वस्ति अनुभव करुछंती निश्चय भाव गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप जितेबाला 31 तारीख दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया घोषणा कला जितेबाला सीबीएसई परीक्षा हे बोली मे मस मे 4 तारीख रु से आम उपर गोटे बोझ हो जाता केमी 3-4 मास क्लास कर पाठ पढ़ा आज आम पत्र लिखीचु माननीय मुख्यमंत्री की तुरंत आप इमिडियट आरंभ करूँ 7 पत्र लिखला आज सका लिखीचु आम जे तुरंत फास्ट वीक क्लास आरंभ करते क्या ओडिशा सरकार देखिए कोविड 19 पर कौन इच्छाशक्ति ना भाया लगला जे केमी एजुकेशन बचे कहीं कौन आग को जा ना से स्टप होता कि 31 तारीख दिन घोषणा करदे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गोटे बोझ पर ललिता विड़ा पड़े एक तो ऑनलाइन क्लासेस फेल तापर पुणी परीक्षा तापर पुणी प्राक्टिकाल परीक्षा मार्च 1 रु गोटे जमी लगुला कौटी ना कौटी आम गोटे कंठरोध भाई आम स्वर को आज जहाँ एवं लेट्रे हो राज्य सरकार घोषणा कर द्वादश एवं 10th को आगे नापी कि आमको आउ गोटे जिन कहीदेक चाहिए आपम जे आम कोविड 19 को दृष्टि रखिक हेल्थ डिपार्टमेंट को संपूर्ण भाव गुरुदायित्व देवाक पड़ो केमी कैंपस हाइजेनिक हम केमी कैंपस सानिटाइज हम हेल्थ डिपार्टमेंट हम एजुकेशन डिपार्टमेंट पारे नहीं आज आम जानते एजुकेशन डिपार्टमेंट क्षमता केत दक्षता केत आज आम से कथा कही आपड़ी आम पत्र देखिए हेल्थ डिपार्टमेंट को सानिटेसन दायित्व देवाई माननीय मुख्यमंत्री अनुरोध करूँ डिटेल आसला जना पड़ कि जहाँ भी हूँ आज प्रारंभिक प्रतिक्रिया ओडिशा अभिभावक महासंघर गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप आमपाई गोटे बहुत बड़ आश्वस्ति कम से कम 100 दिन जो पाठ पढ़ा हम पिला कि पाठ पढ़ाई को मिले सुजोग आगे आलोचना करी आपको सहित श्रीजुक्त पंडा जो निष्पत्ति निया जाई सारी वर्तमान जनवरी 8 रु स्कूल खोल गोटे बड़ चैलेंज हम कारण आप देखो 10 मास काल बंद रहा जो मैंने नवम श्रेणी परीक्षा देते से परीक्षा अधार बंद रहा पुणी से दशम को जम्प कले दीर्घ 8-9 मास से स्कूल मटी माड़ी ना केवल अनलाइन क्लास अटेंड कर अनलाइन क्लास के फलप्रद हो चैलेंज हम स्कूल शिक्षक मान देखो एटा तो बहुत गुरुदायित्व बढ़ शिक्षक मानी देखु शिक्षक शिक्षयत्री बा कॉलेज परिचालना समिति कहतु बा सरकार विद्यालय महाविद्यालय कहतु ये पाखरे सुविधा किछि नाही आर्थिक परिस्थिति भी पाखरे नाही समाने सेमती किछि खर्च करी सैनिटाइज करिवे बा पिला मानकु सैनिटाइजर जोगेइबे बा मास्क ए सब करिवे एणु एठी माननीय मुख्यमंत्री जदि आगक आसीबे बा तांकर जो माने अछंती आम ब्यूरोक्रेट्स अछंती जो माने वर्तमान आकु सुचार रूपे ओडिशा रे चलैछंती से माने आगक आसीबाकु पड़िबो आ प्रत्येक स्कूल जो तहसील रे अछंती सेही तहसीलदार जे मजिस्ट्रेट अछंती ताकु से गोटे इमरजेंसी डिक्लेयर करिवे आउ जो आमर पुलिस बाबू माने अछंती थाना सब अछि से माने बा ब्लॉक लेवल अछंती इन्स्पेक्टर सब अच्छा समस्ते जदि केयरफुली न नेबे निजर दायित्व बोली न भावे ताहले जो आम करवाई जाऊचे यहाँ अधारू भी बंद हो जापे कहीं देखु पाने चपलमती से मैंने दशम श्रेणी द्वादश श्रेणी से मितर 10 मास देखा है हटात आसिक क्लास रूम पहुँचे तापर पाठ पढ़ा हम गुरुमा गुरुजी माने जो माने पाठ पढ़ाते वर्तमान पर्यटन गुड़ाए पाठ ऑनलाइन रे पढ़े देखते किंतु बहुत पाठ से पाखे पहुँची एणु से ही समय रे समस्ते निजर दायित्व यदि नेबे ताहले मैडम मु आपण जरिया माननीय मुख्यमंत्री कहतु शिक्षामंत्री कहतु बाम शिक्षा सचिव कहतु ताकि प्रार्थना करुचु जे पिला दायित्व नियंतु आम आपखे कृतज्ञता ज्ञापन करुचु जेहेतु आपत बड़ बलिष्ठ पदक्षेप नहीं श्रीजुक्त भट्ट आम जब कह 100 दिन जो तारीख रही 100 दिन भितर पाठ पढ़ाब इनक्लूडिंग शनिवार रविवार आम जब कह पूर्व जो कोर्स फी जब कह कोर्स को कमा जा कोर्स प्रतिशत कमा जागर रखी 100 दिन भितर कोर्स सर कि देखु ये तो गोटे बहुत बड़ प्रश्न सर कि आम आशा करूँ जेहेतु 10th और 12th पिला माने टिके
ପାଠ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଆଠ ଦଶ ମାସ ହେଲା ସେମାନେ ପାଠରୁ ଦୂରେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସଡନ୍ଲି ଆମେ 100 ଦିନ ଦେବା ତାଙ୍କୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଟିକିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ 70% ସିଲାବସ୍କୁ 100 ଦିନରେ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କିଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ 100 ଦିନର ଅବଧି ଦେଇଛନ୍ତି, 100 ଦିନର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସଣ୍ଡେ ସାଟରଡ଼େ କରିଛନ୍ତି, 120ରୁ 100, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ହେବନି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭଟ୍ଟ, ଯେଉଁ 100 ଦିନ ଭିତରେ କୋର୍ସ ସାରିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ହେବନି କି 100 ଦିନ ଭିତରେ କିଭଳି କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, ତାପରେ ତୁରନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ସ ପରେ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା, ଛୁଟିରେ ପିଲା ପଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେସର ତ ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା 19ର ଯେଉଁ ଆଫେକ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଥିରୁ ବାହାରି ପାରିନେ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ରହିବ, ଡେଫିନେଟଲି ଏଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମକୁ ଏ ପ୍ରେସରକୁ ଓଭରଲୁକ୍ କରିକି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ 10th ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ 15 ତାରିଖରୁ +2 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 4 ତାରିଖରୁ କରୁଛି, CBSEର ICSE ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ କରିବ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କଲେ, କିନ୍ତୁ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବ ପାଠପଢ଼ାରେ, ତାହେଲେ ହେଲ୍ଥ ଆଲୋଚନା କରିବି, ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ହେବ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ, କାରଣ 100 ଦିନର ପାଠପଢ଼ା 100 ଦିନ ଭିତରେ କିଭଳି ପୁରା କୋର୍ସ ସାରିବେ, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଜମା ଆସୁନଥିଲେ, ଏବେ ତୁରନ୍ତ ଆସିବେ ସ୍କୁଲକୁ, ପାଠପଢ଼ା ହେବ, ଛୁଟି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ପୁରା ସିଲାବସ୍ 100 ଦିନରେ ପଢ଼ାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ 70% ସିଲାବସ୍ ବି ପଢ଼ାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ +2 ବୋର୍ଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ମାଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି, BOSE ଅଛି, ସେମାନେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ତର୍ଜମା କରି ଲିମିଟେଡ୍ ସିଲାବସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ 100 ଦିନରେ ଏତେ ବଡ଼ ପାଠ ସାରିପାରିବାନି, ଆଉ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ଉ, ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ପିଲାଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରୁ, ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା କରୁ, VST କରୁ, ତ୍ରୈମାସିକ ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ଏସବୁ କିଛି ହେଇନି ପିଲାଙ୍କର, ଏଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲାବସ୍ ନକରି ବୋର୍ଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, କିଛିଟା ସିଲାବସ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଦିଆଯାଉ, ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, 12ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ ରହିଲା 30, ଆଉ ଥିଓରି ମାର୍କ ରହିବ 70 ମାର୍କ। ଯେହେତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ 21 ତାରିଖରୁ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ କଲେଜରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରତି ବିଜ୍ଞାନରେ, ଫିଜିକ୍ସରେ, କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ, ବାୟୋଲୋଜିରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଙ୍କର 4th ଇଲେକ୍ଟିଭରେ 20-21ଟା ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥାଏ, ଏଣୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏଣୁ ତାକୁ ବି 1/3 କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, 7-8ଟି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଇ ପିଲାମାନେ ତାକୁ କରିବେ, ଖାତା ଲେଖିବେ, ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀମାନେ ସେ ଖାତା ଦେଖିବେ, ଏଇ ସବୁ ରହିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ଆଉ ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଏଣୁ ଏଇଠି ସରକାର ଆକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି। ବୋର୍ଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ CHSE ବୋର୍ଡ଼ କୁହନ୍ତୁ, CBSE ଆମର ଓଡ଼ିଶା, BOSE ବୋର୍ଡ଼ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ, କାହିଁକି ସରକାର ତ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି 100 ଦିନ ଭିତରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ତାପରେ ତୁରନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ପିଲାମାନେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛୁଟି ରହେ, ସେ ଛୁଟି ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ନାହିଁ ଆମ ହାତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯେହେତୁ CBSEର ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି May 4 ଏବଂ ଆମକୁ 100 ଦିନରେ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶାରେ 30% ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ରେ କିଛି ସିଲେବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ନୂଆରେ ସିଲେବସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କାରଣ 70% ପୁଣି ଆରମ୍ଭରୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଫିଜିକାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଆମର ବହୁତ ପିଲା ବାହାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ଡ୍ରପ୍
କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ 70% କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି ହେଲେ ଲସ୍ ତ ହେବ ପିଲାମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଯେଉଁ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି 100 ଦିନର ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବୁ। ଯେ ତା ସହିତ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିବୁ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, ଯେହେତୁ 10th ଆଉ 12th ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ଫିଜିକାଲ କ୍ଲାସ୍କୁ, ତାଙ୍କର ହାଇଜେନିକ୍, ତାଙ୍କର ସାନିଟାଇଜେସନ୍, ତାଙ୍କର କେମିତି ରହିବେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଗେଇ ଆସିକି ସେକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦରକାର। ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବଳା ହେବ, ତେଣୁକରି ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ପୁରା କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ, ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ଭଳିଆ ଟିଚରମାନେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କିଛିଟା ରିକୁପ୍ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମକୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା, 100 ଦିନ ପାଠପଢ଼ା ପରେ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ CBSE ପରୀକ୍ଷା କଥା କହିବା, ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ ଯେଉଁ CBSE ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କହିପାରିବା ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରେ, ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ? କାରଣ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ସେତିକି ସଫଳ ହେଇନି, ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ସେତିକି ସଫଳ ହେଇନି। ନା, CBSEରେ ତ ମେ'ରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ତାଙ୍କର ତ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବନି, ସେମାନଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବନି, ମେ'ରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଣୁ ମେ'ରୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ରହିଛି କେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ସିଲେବସ୍ ରହିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସିଲେବସ୍କୁ ପଢ଼ା ହେବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲେବସ୍ ପଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲେବସ୍ ସାରିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେବନି, ଏଣୁ ଲିମିଟେଡ୍ ସିଲେବସ୍ ଆହୁରି ଯେଉଁ 70% ବି ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆଉ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆହୁରି ସିଲାବସ୍କୁ କମେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଚାପ ରହିବ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ହେଉଛି, ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଆଉ VST କରାଯାଏ, ଏସବୁ ଯାକ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ 100 ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ି ପରୀକ୍ଷା ତ କରିଦେଲେ ହେବନି, ଏଣୁ ଏଇତକ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆହୁରି ସିଲେବସ୍ କମେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲିମିଟେଡ୍ ସିଲେବସ୍ କରି ଏଇ ବର୍ଷଟାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଇୟର ବୋଲି ଭାବିକି କରିବା, ଆମେ ଭାବିବାନି ଯେ ଅଲଗା ବର୍ଷ ସହିତ ଆମର ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଇୟର ଭିତରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଯେଉଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ରହିଲେ, 12ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ନା କିଛି ଆଫେକ୍ଟ ହୋଇଥିବ କି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏଫେକ୍ଟ କରିବ, ଆମେ ତ କେତେ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏତେ ଏଜେଡ୍ ଲୋକ, ଆମେ ଏତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ, ଆମେ କେତେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅପ୍ରେସନ୍ ଭିତରେ ରହୁଛେ। ଛାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, NET ପରୀକ୍ଷା CBSEର ଆମର ଡେଟ୍ ବାହାରିଗଲାଣି, JEE Main ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀରୁ ହେବ ବୋଲି ଡେଟ୍ ବାହାରିଗଲାଣି, ଏବେ 12ମ ଶ୍ରେଣୀର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ, ସେହି ସମୟରେ JEE Main ପରୀକ୍ଷା ହେବ, JEE Main ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ପିଲାମାନେ ଦେବେ ସେଇଟା ବି କଥା। ଆଉ JEE Main ତ ସିଲେବସ୍ ସେ ତ କାଟିନି, ସେଇ ଯେଉଁ 70% ସିଲେବସ୍ ଯାହା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି ସେଥିରୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଣୁ ବହୁତ ଚାପ ରହିବ। ଆ ଭିତରେ କ'ଣ କି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଆର୍ଡିନେସନ୍ ଯଦି ନ କରାଯିବ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ କ୍ଷତି କୋଆର୍ଡିନେସନ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହୁଛି ଏଠି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଯଦି ପରିଚାଳନା କଥା କହିବା, ସେତିକି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ନଥାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଛି, ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଛି, ଏ ଭିତରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବେ, କେତେ ରହିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କଥା କହିବା, କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଛି, କେତେ ତାହା ପରିଚାଳନା ହେବ? ଆପଣ ତ ବହୁତ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ରେଜ୍ କଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଲେଜ ଅଛି, ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜ ଅଛି, ବହୁତ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜ ଅଛି, ସେଠି ହଜାର ହଜାର ପିଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କଲେଜ ମାନଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ଏଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା ସମିତି ରହିଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କଲେଜର, ସେମାନଙ୍କର ବି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସରକାରଙ୍କ ବି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଯାହା ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟ କହୁଥିଲେ, ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କୁ। ସେଠି ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଥରିଟି, ଯେ କଲେକ୍ଟର, ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି କିଛି କରିପାରିବନି ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଥରିଟି ଏଇଠି ଇନଭଲ୍ଭ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
आउ जी सब डिविजनल कलेक्टर अच्छा कहतु एडीएम अच्छा तहसीलदार अच्छा रेवेन्यू ऑफिसर अच्छा से मैंने आगे आसवा पड़ो से निज अंचल स्कूल कहतु महाविद्यालय कहतु से जो हॉस्टल अच्छी हॉस्टल को किमती परिचालना करेंगे ताकि चिंता करेंगे हॉस्टल परिचालना ठीक न हम पिला आसी रहीगला से मैंने केते असुविधा पड़े जदि किसी गोटे क्षय क्षति घटी जाए जहाँ आमको समय आमको क्षमा दबनी आगे तो मास पिला को कथा आसुचे ठीक अछि शेष समय सरी गलानी श्रीजुक्त भट्ट शेष प्रतिक्रिया नेबी वर्तमान समय अभिभावक मानकर गुरु दायित्व रहुचि स्कूल गुडी करे ठीक से परिचालना हेउचि ना नाही सानिटाइजेशन केबले हेउचि ताकु मध्ये अभिभावक संग मध्ये गुरुत्व देबा दरकार केते पदक्षेप नै आजिबो ए तरफ देखो जेहेतु 10th आउ 12th पिला माने जेबे तेणु करे अभिभावक मानकर ठीक रिलैक्स रहिबो काहे कि ना 10th 12th पिला माने सेल्फ सफिशिएंट से माने हाइजेनिक एवं कोविड 19 के भल भाबे बुझी चंदी से माने मध्ये निजु निजे बंचै परिबे तेणु करे आमे भाबुचु जे को जदि स्कूल भितर जदि हेल्थ डिपार्टमेंट जहाँ कहले आर एंड पंडा सार कहते जदि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एवं एजुकेशन डिपार्टमेंट को पूरा बाहर करूँ हाइजेनिक सानिटाइजर उपरू से पाठपढ़ कनसनट्रेट करूँ केवल हेल्थ डिपार्टमेंट लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट जब पूरा पूरा कनसनट्रेट कर थ्रस्ट होगा पड़ो एथर गोटे मिशन मोड्रे जब आम परीक्षा मे पर्यटन नवा तो गोटे लाइफ लस हेनी गोटे पिला क्षति हेनी पाठपढ़ा ठीक हम परीक्षा समस्त एथर गुरुत्व देवा पड़ो सानिटाइजेशन सहित कोर्स कि कम्प्लीट हम सिलेबस कमे सब गुरुत्व देवा पड़ो बहुत धन्यवाद आम सहित आलोचना कर समय सर वर्तमान प्राइम डिबेट को रखुचु नमस्कार।